प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य त्रिपुरा और मेघालय की यात्रा करेंगे और वहां 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और आतिथ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वदेश निर्मित P-1 5B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मोरमुआगो को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में इसे नौसेना में शामिल किया जाएगा। इससे भारतीय नौसेना के हिंद महासागर में पहुंच बढ़ेगी। फीफा विश्व कप अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस का सामना दो बार की विजेता अर्जेंटीना से कतर के लुसेल स्टेडियम में होगा। फ्रांस को जिताने का जिम्मा स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाबे और ओलिवर जिरू जैसे खिलाड़ियों के कंधे पर होगा। रक्षा मंत्रालय ने चीन और उसके सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि भारतीय सेना आधुनिकीकरण और दुश्मनों की आक्रामक कार्रवाइयों से पैदा होने वाले सभी सैन्य खतरों के लिए तैयार है। LSE और LOC पर स्थिरता और प्रभुत्व सुनिश्चित करने की भारत की इच्छा के अनुरूप तैयारियों को कायम रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत अगर चाहे तो अब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से 7,000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन का भी सफाया कर सकता है। DRDO ने एटमी सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का वजन घटाकर इसकी क्षमता को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की तैयारी पूरी करने के बाद रविवार को बिहार नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए मतदाता वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए मतदान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। वहां ये काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में आयोजित होने जा रहे देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में शामिल होंगे। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में ये आयोजन 19 दिसंबर की शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश लाने विदेश गई टीमों को यूपी में उद्योग लगाने के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से लेकर वेस्ट टू एनर्जी यूनिट, वेलनेस सेंटर, इको टूरिज्म रिजॉर्ट और आईटी सेंटर कई बड़ी इकाइयों की स्थापना के लिए करार किए गए हैं। दिल्ली NCR में सुबह की ठंड बढ़ गई है। लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार को एक बार फिर सीजन की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। BRO चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछा रहा है। चीन सीमा के 200 मीटर समीप तक सड़क निर्माण किया जा चुका है। अब इस नवनिर्मित सड़क पर ब्लैक टॉप का कार्य किया जाना है। इसके अलावा एक और सड़क निर्माणाधीन है जिसे भी पूरा कर लिया जाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com